अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब्बी नबवी से इलाज, गोश्त के फवाइद और दस्त यानी बकरी की अगली रान के फवाइद। गोश्त के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। फ़ायदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और अखलाक व आदात को संवारता है। दस्त यानी बकरी की अगली रान के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त यानी अगली रान का गोश्त बेहद पसंद था। फ़ायदा, अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बकरी के गोश्त में सबसे हल्की गिज़ा का हिस्सा गर्दन और दस्त है, उसके खाने से मैदा में भारीपन नहीं होता।